बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आई एम समरा रशीद, योर साइंस टीचर हेयर इन BFC नौशहर अफरोज़। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन बुक पेज नंबर 51। ओके, सो लेट इस स्टार्ट। हु एम आई? क्वेश्चन नंबर 1 इज Who am I? Identify the animals or parts of an animals from the clues below. Dear students, यहाँ पे different clues दिए गए हैं, हमें उस clues को read करना है और उस animals को या animal के body parts को identify करना है. Okay? So let us start. First is, I live in water. I have scales and fins. I have a tail. I breathe through gills. I am a dash. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अ फिश। फिश जो है वो पानी में रहती है, फिश के स्केल्स और फिन्स होते हैं, टेल होती है, और फिश सांस किसके ज़रिए लेती है? गिल्स के ज़रिए। सो आई एम अ फिश। ओके, हियर यू राइट फिश। सेकेंड इज, I live on land and in water. I use my web feet to swim and my legs muscles to jump. I catch flies with my long sticky tongue. I lay eggs. My babies do not look like me. I am a dash. So dear students, I am a frog because frog live on land as well as in water. Frog जो है वो land में भी रहता है और water में भी रहता है। फ्रॉग्स के फीट क्या होते हैं? वेब फीट होते हैं। फ्रॉग्स जो है वो जंप करता है और फ्लाइज को कैच करता है। किसके ज़रिए कैच करता है? अपने लॉन्ग स्टिकी टंग के साथ। ओके, फ्रॉग्स जो है वो एग्स देता है और इसके बेबीज जो हैं वो फ्रॉग जैसे नहीं होते। सो हियर यू कैन राइट आई एम अ फ्रॉग। लेट्स राइट हियर फ्रॉग, आई एम अ frog. Next is, I am not a nose but I help creature to breathe underwater. I am dash. So dear students I am gills because gills not have a nose but it help creature to breathe underwater. So I am a gill. Fish ki jo gills hoti hain beta, wo kis mein madad deti hain? सांस लेने में मदद देती हैं। ओके, लेट्स राइट हियर गिल्स। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द क्ल्यूज ब्लो। आई एम अ वेजिटेबल, गार्डनर कॉल मी अ लीफ बर्ड। आई एम यूजुअली ईट रॉ नॉट कुक्ड। आई एम डैश। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लेट्यूस बिकॉज लेट्यूस इज अ वेजिटेबल। Gardener call it a leaf bird. It is usually eaten raw, not cooked. So it is called lettuce. Let's write here lettuce. Next is, I am a green vegetable. Really, I am a fruit. Cooks put me in a curry or make it hot, hot, hot. I am chili. Let's write here chili because chili is a vegetable as well as a fruit. I am so small you cannot see me. I help a leaf to breathe. I am holly. I am stomata. Stomata जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा small होते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो किस में मदद देते हैं? सांस लेने में मदद देते हैं। ओके, स्टोमेटा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लीफ की लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और वो किस में मदद देते हैं? सांस लेने में मदद देते हैं। सो हियर यू वी राइट स्टोमेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज ऑन बुक पेज नंबर 51। Also solve exercise number 3 on book page number 50. Okay students,
Today's your homework is solve exercise number 3 on book page number 50. Okay? आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स डेट ग्रो इन योर नेबरहुड, ड्रॉ पिक्चर ऑफ देम. आपको कोई भी 3 फ्लावर्स देखने हैं जो आपके नेबरहुड में ग्रो कर हुए हैं और आपको उनकी पिक्चर्स बनानी है. ओके, फाइंड आउट द नेम ऑफ 3 फ्लावर्स डेट ग्रो इन योर नेबरहुड डेट पिक्चर्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ देम. आपको 3 फ्लावर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, उनके नेम लिखने हैं और वो फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास टुमारो. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.